नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईकॉम मार्नी पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपना ऑफलाइन काम के साथ साथ ये ऑनलाइन काम कैसे शिफ्ट किया, ये पूरी जर्नी किस प्रकार शुरू हुई थी। आज का जिस टॉपिक इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, ये बात है सन 2018 की। 2018 में हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर्ड हुए थे। हमें इसलिए रजिस्ट्रेशन होना पड़ा क्योंकि जो हमारा जो ऑफलाइन जो काम था, जो हम फुटवियर कैटेगरी में डील करते थे, तो हम ऑफलाइन में जो माल देते थे लोगों को, तो वहाँ पर पेमेंट का बड़ा इशू आता था। कहीं कहीं तो पेमेंट हमारा फंसा भी रह जाता था। तो लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या है कि जो भी हमारे पार्सल जाएंगे, जो भी हम ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच करके देंगे, उनका जो एक पेमेंट साइकिल फिक्स रहता है कि इतने दिन बाद आपको पेमेंट आ जाएगा। सो 2018 में हमने सबसे पहले एज अ सेलर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर हमने लॉन्च किया। तो हमने अपनी जितनी भी हमारी कैटलॉग थी, जितनी भी हमारे प्रोडक्ट थे, हमें नहीं पता था हमारा कौन सा प्रोडक्ट वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने जैसे तैसे दोस्तों एज अ सेलर हमने अमेजोन के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करते ही वहाँ से अमेजोन की तरफ से हमें कॉल आया। वहाँ की जो सपोर्ट टीम थी, उन्होंने हमें पूरा हेल्प किया कि कैसे आपको लिस्टिंग करनी है। उन्होंने सब कुछ समझाया कैसे जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपको कैसे डिस्पैच करना है। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग की और हमारी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो गई। लाइव होने के बाद दोस्तों जब हम सो रहे थे रात में, तो रात में किसी कस्टमर ने हमें ऑर्डर आ गया। यानी कि जबकि ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है कि आप यदि जो जब आप चालू होंगे अपनी दुकान पर बैठे होंगे अपनी शॉप के ऊपर, तभी आपको ऑर्डर आएगा। लेकिन जब ऑनलाइन बिजनेस में आप यदि सो रहे होंगे फिर भी आपको ऑर्डर आ जाएंगे। तो ये इसकी पावर है। तो पहले क्या था, 2018 के बाद ऑनलाइन का ट्रेंड भी तेज़ी से शुरू हो रहा था। यहाँ बहुत सारा जो मार्केट है, जो ई कॉमर्स वाली, जो उस समय स्नैपडील, आपकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कई सारी कंपनियां आ रही थी और लोग जो है तेज़ी से जो है ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे थे। तो उस समय हमने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें ऑर्डर आने लगे, लेकिन ऑर्डर जैसे जैसे हमारे बढ़े तो हमें उसमें कुछ चैलेंजेस ही फेस करने को मिल रहे थे। वो चैलेंजेस क्या है, एक तो दोस्तों हमारे रिटर्न्स आ रहे थे और रिटर्न्स के साथ साथ हाई कंपटीशन था। पहले से ही जो हम कैटेगरी सेल कर रहे हैं उसमें पहले से ही लोग थे, जिस प्राइस पर हम सेल कर रहे थे वो भी उसी प्राइस पर सेल कर रहे थे, लेकिन वो हमसे पहले रजिस्टर्ड हुए थे, तो उनसे हमें कम्पीट करने में दिक्कत आ रही थी। तो हमारे पास जो भी हमें पूंजी थी, जो भी हमारे पास उस टाइम जो बजट था, वो पूरा हमारा इसमें लग गया और जो रिटर्न आने की वजह से जो हमें काफ़ी लॉस ही हुआ। अब उसके बाद हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम ये ऑनलाइन बिजनेस बंद कर दें, या फिर इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर हम वर्क करें और उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं उसका सामना करें। तो हमने दूसरा वाला रास्ता चुना कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उस पर हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। जो रिटर्न्स आ रहे थे तो हमने कस्टमर के फीडबैक पढ़े, रिव्यू देखे, और हमने देखा कि जो कस्टमर जो रिटर्न आ रहे हैं वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट की वजह से आ रहे थे। कुछ लोग हमारी क्वालिटी थी प्रोडक्ट की उसको लेकर कंप्लेंट कर रहे थे कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों फिर हमने अपने मैन्युफैक्चरर को अपने साथ बिठाया और अब जो प्रोडक्ट जो बनाने का जो प्रोसेस है पूरा, उसमें जो भी मटेरियल वो लगा रहे थे उसमें हमने उससे बात की, और उसमें हाई क्वालिटी वाला जो मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल हमने उनको बोला कि भाई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाओ, चाहे बेशक आप जो है 5-10 रुपये उसमें मटेरियल पर हमारे प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरह से मटेरियल क्वालिटी पर काम किया, और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से जो रिटर्न आ रहे थे, तो हमने जो QC क्वालिटी चेक जो फैक्ट्री में होता था उस पर हमने सब मैन्युफैक्चरर को बोला कि वहाँ आप ध्यान दीजिए, जो भी आपका बंदा है QC वाला उससे बोलिए कि वो सही तरह से माल चेक करके पैक करे। तो इस पर हमने काम किया। और जो नेक्स्ट जो हमारा इशू आ रहा था वो पैकेजिंग की वजह से आ रहा था, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर जो रिटर्न आते हैं तो उसमें डिलीवरी होती है, यानी कि जो आपका पैकेट है वो कई प्रोसेस से होके गुजरता है। आपसे लॉजिस्टिक वाले जो बंदे हैं आपके घर से पिकअप उठाएंगे और कस्टमर तक पहुंचाने तक वो कई जगह गाड़ियों में चेंज होगा पैकेज, कहीं हब में जाएगा, हब से फिर लोड होगा, अनलोड होगा। तो ये ट्रांजिट में क्या है कि वो हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो रहा था। तो हमने जब उसमें चेक किया कि तो हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल था वो काफ़ी हमारा लो क्वालिटी का था, जिससे वो ट्रांजिट में जो लोडिंग अनलोडिंग में वो हमारा प्रोडक्ट आधा डैमेज होता, उस वजह से हमारे कस्टमर रिटर्न बढ़ रहे थे। जब ग्राहक के पास पहुंचता था डैमेज प्रोडक्ट तो वो उसको रिटर्न कर देते थे। तो फिर हमने हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल था, जो जिससे हमारा पैकेट आते थे, उनको हमने बॉक्स वाले भैया को बोला कि भाई जो इसमें पैकेजिंग आप यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक पेपर आता है जिसको यूज करते हैं, वो GSM का हिसाब किताब होता है, तो उसमें जितना हाई GSM होगा आपका पैकेजिंग बॉक्स उतना ही अच्छा होगा। तो हमने पैकेजिंग पर काम किया, तो पैकेजिंग सुधारी, तो उससे हमारे क्या है रिटर्न जो है जो
आते थे डैमेज होते थे वो काफी हद तक हमारे कम हो गए, और हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमें वापस आता था वो भी हमें सही कंडीशन में मिलता था, जिससे हम द्वारा उसको रिसिप कर देते थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी पैकेजिंग पे काम किया, तो इससे हमें विद इन 6 महीने के अंदर हमारे जो रिटर्न्स आ रहे थे इस वजह से वो भी हमारे कम हो गए, और जो पैकेजिंग की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट डैमेज हो रहा था उसमें भी कई हद तक सुधार हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हमने काम किया लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि जब हम नए थे तो हमने जैसे ही लिस्टिंग हमने की जैसे जैसे आती थी वैसे वैसे हमने कर दी। फिर जब हम उसमें एक्सपर्टाइज हो गए काम करते करते, तो हमने लिस्टिंग पर ध्यान दिया, हम रेगुलरली अपनी लिस्टिंग को अपडेट करते रहते थे। हमने सबसे पहले जो हमारे प्रोडक्ट की जो इमेजेस थी उसको हमने हर एक एंगल से उसके फ़ोटो कराए, और जहाँ तक यदि हमने प्रोडक्ट जो साइज की वजह से हमारे रिटर्न आते थे तो हमने उसमें एक साइज वीडियो बनाई कि कस्टमर कोई भी ऑर्डर कर रहा है प्रोडक्ट को तो उसे अपना सही साइज कैसे नापना है, कैसे उसे मापना है, मेजरमेंट लेना है, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनवाई, तो जिसकी वजह से साइज की वजह से जो रिटर्न आ रहे थे वो हमारे कम हुए। और हमने जो कीवर्ड्स होते हैं लिस्टिंग के ऊपर उस पर काम किया, जो कीवर्ड जो भी कोई कस्टमर हमारा ऑर्डर परचेज करता है तो यदि हमारा कीवर्ड जो होगा रिलेवेंट होगा हमारे प्रोडक्ट से तो वो उन कीवर्ड्स के ऊपर हमने काम किया, तो जिससे हमारी जो सेल है वो भी हमारी इंक्रीज हुई कीवर्ड पर काम करने से। इसके ऊपर कैसे कीवर्ड बनाते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। Amazon के ऊपर एक A+ कंटेंट सर्विस होती है, वो उन्हीं सेलर को मिलती है जिनका जो ट्रेडमार्क है, जिनका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड होता है। A+ कंटेंट में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस विद टैग्स और जो आपका मॉडल सूट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें टैग्स और फोटो डाल सकते हैं, तो आपका जो ब्रांड पेज ऐसा लगेगा कि कोई ब्रांडेड पेज है और जो हैवी प्रोडक्ट है। तो A+ कंटेंट की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर। और हमने अपने प्रोडक्ट की हर एक वो डिटेल्स जो कस्टमर पढ़कर जो परचेज करता है तो कस्टमर को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हमने हर एक जो डिटेल्स अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर ऐड करी। फिर उसके बाद दोस्तों हमने अपने कुछ प्रोडक्ट स्टार्टिंग में Amazon के FBA वेयर हाउस में भिजवा दिए। Amazon का जो FBA प्रोग्राम होता है वो कस्टमर को जो प्रोडक्ट है फास्टेस्ट डिलीवरी पहुंचाने में और विजिबिलिटी बढ़ाने में, जो प्राइम कस्टमर हैं Amazon के वो दोस्तों जो प्राइम कस्टमर का जो बैच है वो आपकी लिस्टिंग पर मिल जाएगा यदि आप अपने प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। तो पैकेजिंग के से लेकर रिटर्न हैंडलिंग तक सारा प्रोसेस पर वही लोग देखते हैं, आपकी सिद्धति पूरी खत्म हो जाती है। बशर्ते आपको फ़ायदा ये रहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो सबसे पहले Amazon के वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं सबसे पहले वहाँ से पहुँचते हैं, इससे जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास सबसे फास्ट पहुँचता है, सबसे फास्ट पहुँचेगा, जिससे कस्टमर भी हैप्पी रहता है, तो और हमारी प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो भी हाई हो जाती है, अप हो जाती है यदि हम अपने प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। तो ये हमने काम किया दोस्तों कंपटीशन से निपटने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है, आप कोई प्रोडक्ट ले आओ हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है। उसके लिए हमने क्या किया, हम ऐड रन किए, जो Amazon का जो PPC कैंपेन है Amazon स्पॉन्सर जो ऐड है हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाए। कंपटीशन चाहे कितना भी हो मार्केट के ऊपर, यदि आप ऐड लगाएंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो भी उन कीवर्ड के ऊपर जो सबसे आपके हाईएस्ट सेलिंग कीवर्ड है, तो हमें हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक आता है, हमें ऑर्डर मिलते हैं। तो हमने ऐड प्रॉपर रन की, इन चीज़ों से हमारे न केवल हमारी सेल इंक्रीज हुई, विद इन 6 मंथ के अंदर जो हमारा रेवेन्यू 50,000 था वो 2,00,000 पहुँच गया, और धीरे धीरे दोस्तों साल बर साल हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ता चला गया। आज दोस्तों हम पहली साल 2018 में जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हम मुश्किल से पूरे महीने में 40-50 ऑर्डर शिप करते थे, लेकिन आज हम पर डे 300 से लेकर 350 ऑर्डर पर डे शिप कर रहे हैं। हमने जब क्वालिटी के ऊपर काम किया, पैकेजिंग के ऊपर काम किया, तो हमारी जो रेटिंग है, जो नेगेटिव रिव्यू पहले हमारे जो आते थे वो भी हमारे कम हो गए, और हमारा जो फीडबैक है जो रेटिंग है हमारी वो जो पहले 2.7-2.5 हुआ करती थी अब वो इम्प्रूव होकर 3.9 और किसी प्रोडक्ट का तो हमारी 4+ रेटिंग पहुंच गई है। आज दोस्तों हमारा जो साल का रेवेन्यू है 2024 में 1 करोड़ को टच होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने अपने प्रोडक्ट की जो रेंज है वो भी बढ़ा दी है, आज हमारे पास टोटल 50 तरह के जो है आर्टिकल अवेलेबल हैं, और फ्यूचर में दोस्तों हम अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाने की सोच रहे हैं, जिससे फ्यूचर में यदि कोई इशू होता है Amazon या Flipkart के साथ तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो इनके ऊपर ना रहे, और हमें जो कमीशन जो इन लोगों को देना पड़ता है वो भी हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। दोस्तों
ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित जो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो दो तीन चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर और दूसरा पैकेजिंग के ऊपर, तीसरा आपको एड चलाने हैं प्रॉपर, चौथा आपको जो कस्टमर का जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट है वो आपको देनी है, यदि कोई रिटर्न आता है तो आपको रिफंड से रिलेटेड इशू है उसको आपको प्रॉम्प्टली जो है प्रोसेस करना है रिक्वेस्ट, जिससे आपका कस्टमर का आपके ब्रांड के साथ जो है एक ट्रस्ट बनेगा और फ्यूचर में आपका जो बिजनेस है दोस्तों एक्सपेंड होगा। दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर ई कॉमर्स से संबंधित ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं, यदि आपकी ऑनलाइन से संबंधित कोई क्यूरी है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप हमारे पेज पर हैं तो ई कॉम मानवी से हमारा फेसबुक पर पेज है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।